गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। प्रतिवर्ष ये दिन हमारे लिए एक नया उत्साह, नई उमंग लेके आता है। इतिहास बनाया कांग्रेस ने, महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना बुकला आजाद ने, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, आज 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर जो संविधान निर्माण हुआ, मुल्क आजाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई, उसके कारण संभव हुआ। और 75 साल का सफर तय करते करते आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। फिर भी हमारे कुछ देश के नेता उसको नकार रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? अनफॉर्चुनेट है देश के लिए कि देश और दुनिया जानती हिंदुस्तान आज़ादी के वक्त क्या था, हम कहाँ पहुँच गए। ये गणतंत्र दिवस वो बातें हमें याद दिलाता है, संकल्प लेने का वक्त देता है कि आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें संविधान को। आज संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसके लिए ऐसा माहौल बन गया कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। तमाम एजेंसियों पे दबाव है देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो चाहे अन्य एजेंसियों, अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तनाव का माहौल। हम बार बार कहते हैं कि प्रेम मोहब्बत भाईचारा सद्भाव होना चाहिए आपस में, देशवासियों में, सभी धर्म सभी जाति लोगों में, जिससे हम लोग और मजबूत हो सके। इतने मुबारक मौके पर मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम युवा पीढ़ी को जो हमारा इतिहास है उनका अध्ययन करना चाहिए। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने त्याग बलिदान किए ज्ञात व अज्ञात, उन सबको याद करते हुए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि कल का भविष्य, देश का भविष्य उन पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कायम हो, उस संविधान को सामने रख करके संकल्प लेके आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी है।